नयागढ़ कंकारुकोट गाँ दाण्डे माड़खाई नाबालिका थाना को चिपाकरु गाँवें बसिला कंकारुकोट नियापाणी बासंत सहित घर सामने कंटा पकाई कले गृहबंदी एभली एक अभावनीय घटना देखा मिली। नयागढ़ जिला भापुर ब्लॉक फतेहगढ़ थाना गोपाल प्रसाद गाँव में गाँवर जड़े प्रभावशाली व्यक्ति जड़े महिला को धरी फेरार हो जाते तेरे महिला खोजी परिवार लोके नयांत होते किंतु कौनसी खबर पाइन मात्र घटना संपर्क में जाणिता गाँवर जड़े नाबालिका ए संपर्क में समस्त को जनईले घटना प्रकट होगापर व्यक्ति जनक नाबालिका को गाँ दाण्डे माड़ मारी सब घटना घटापर नाबालिकार परिवार लोके फतेहगढ़ थाना लिखित अभियोग करते मात्र पुलिस कौन कार्यानुष्ठान नहीं फल नाबालिका परिवार लोके नयागढ़ एसपी को घटना संपर्क में जनई एसपी निर्देश क्रमे पुलिस गाँवें पहुंची तदंत कर मात्र गाँवर घटना थाना को जीवारु ग्रामवासी माने रागी जाई गाँवें सभा करते नाबालिका परिवार को डकाई नियापाणी बासंद करने सहित घर सामने कंटा पकाई गृहबंदी कर रखिंट दिन मस हो थाना आसिक एफआईआर देखिए आम आत्मान डर बहुत चलू आम को भी धम धमक दौर मार मुड़ी कर जन को लेकिन पलि जन कही नहीं पलिंट बोल से राग रखी मत बाड़ी कौन जिला प्रशासन थाना पुलिस थाना एफआईआर दे थाना बेला किसी रिश नौ ना मझे मत गाँव रद्रलोक आमी सभ्य अच्छी स्वामी मत डाक कर गाँव पचरा पचरी कर थाना अभियोग कर एफआईआर दे झीर अभियोग 131 नंबर केस पंजीकृत होरेस्ट करने चेस्ट कर आउसी कंगारू कोर्ट खबर थाना किसी अभियोग ना दोषी को ट्रेस कर दोषी को बारंबार रेड हो गाँव में नथिबार आरेस्ट हो पारि संभवतः आम भुवनेश्वर एरिया रही कम कर तेज संपर्क अधिक सूचना देवाई आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि शिवराम महापात्र। शिवराम, नयागढ़ रे कंगारुकोट जड़े नाबालिका को माड़ मार घटना एवं दुखर कथा होते से पुलिस थाना घटना संपर्क में जनई पुलिस कथा को शुणी ना निश्चित भाव मन लगे गोटे दुर्भाग्यजनक घटना नयागढ़ जिले में जो भाव में आईन श्रृंखला विपर्यस्त हो पड़ी लोक आईन श्रृंखला उपर पुलिस प्रशासन संपूर्ण रूप भरोसा त्रुटि लगी जो घटना ये नयागढ़ बारंबार कंगारुकोट भाई घटना सामना को आसते पुलिस कौन कार्यानुषान ने ये गोटे गुरुतर आरोप आसी जड़े भापुर ब्लॉक जो फतेहगढ़ थाना रही फतेहगढ़ थाना गोपाल प्रसाद गाँव रे नाबालिका से जितेबाला गाँव रे परज्ञापेति कर जे युवक जो गाँव रे बहित स्त्री लोक नहीं पलई थे एने से जो मुह कर गाँव में अन्य लोक मई घटना संपर्क में अवगत कराइले से ही समय गाँव रो जे रही प्रभावशाली व्यक्ति जी रही टुकु विश्वास गाँ दाण्ड समस्त सामने जो भाव में गोड़े गोड़ी माड़ मारी जार विजुअल आप देखु कि भाव में गाल पूरा लाल पड़ी शरीर विभिन्न स्थान में आघात होने जी से फतेहगढ़ थाना एफआईआर दे फतेहगढ़ पुलिस कौन कार्यानुषान ना बारंबार अभियोग पर पुलिस एफआईआर को पंजीकरण करता एने जो एसपी को अवगत करते एसपी को निर्देश क्रमे घटनास्थल में पुलिस गाड़ी पहुंची गाँव में कहीं पुलिस गाड़ी पहुंचला से नहीं गाँव लोक मैंने उत्तप्त हो भाव में घर को संपूर्ण रूपे परिवार स्थिति कौन अच्छी नियापाणी बासंद करा कि घर सामने कंटा पका जाए कि हाँ मंदागिनी सूचना अनुसार बर्तमान सुधा गाँव में संपुक्त नाबालिका परिवार को नियापाणी बासंद कर गाँव कौन लोक कथबार्ता करना एवं जो लोक कथबार्ता करेंगे किंवा कौन सौदा देते कि क्षेत्र पर सहयोग करेंगे आर्थिक अर्थदंड देवाई गाँव जो कंगारुकोट निष्पत्ति नहीं सब बड़ कथा जी अभियुक्त रही जे गोड़े जे जो नाबालिका जो आक्रमण करुक्त
ତେବେ ଶିବରାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କୁ ନିଆଁପାଣି ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନିଆଁପାଣି ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଫତେଗଡ଼ ଥାନା ଆଇଏସି ରହିଛନ୍ତି, ଫତେଗଡ଼ ଥାନା ଯୋଉ ଆଇଏସିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯାହା କହିବା କଥା ହେଲା ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜୁଛୁ ଏବଂ ଖୋଜିକି ଯେବେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଶିବରାମ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।